सर बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसे आप ये डॉक्यूमेंट्री छोटी सी वीडियो फिल्म दिखाएंगे और मुझे इतना मान सम्मान देंगे। तो मैं इसके लिए आदरणीय विनीत चोपड़ा जी, विनीत चौधरी जी और रवि चोपड़ा साहब आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी तो ए फॉर अमिताभ तरफ से आप देख रहे हैं आज 77 बर्थडे पर 77,000 का चेक जी हाँ अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन को जा रहा है जिसको कि रवि कालरा जी के प्रतिनिधित्व में न जाने कितने लोगों को वहां पे संरक्षण मिलता है। जोरदार तालियां बजते रहना चाहिए इतने खूबसूरत जज्बे के लिए, इतने खूबसूरत कार्य के लिए। नरेश अग्रवाल जी साहब से रेस्क्यू होते हैं जिनको कीड़े पड़े होते हैं और अस्पतालों में ले जाके उनके हाथ पांव कटवाने पड़ते हैं हमें। तो अभी जो 500 बेसहारा लोग रहते हैं उनमें 100 लोग तो ऐसे हैं जो 8-8 साल से जमीन से उठे ही नहीं है, जिनके बच्चे वहाँ छोड़ के भाग गए। कई बार तो हमारी संस्था के गुरुकुल के गेट के बाहर रस्सी से बांध के भाग जाते हैं बच्चे। जैसे मैंने केबीसी में भी बताया था कि एक बार तो ऐसा एडमिशन आया था जिसमें लड़के ने अपने पिता को किराए के कमरे में बंद करके कमरे में बड़े बड़े चूहे छोड़ दिए और खुद अमेरिका भाग गया। और एक एडमिशन आया था जिसमें एक लड़के ने अपने बूढ़े पिता को 10 साल से कमरे में बंद किया हुआ था। और एक ऐसा एडमिशन आया था जिसमें तो हम दिल्ली गए, वो लड़का स्कोडा गाड़ी में आया, बोलता है मेरी मदर को एडमिशन दो, तो हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। उसकी मदर का कुल वजन सिर्फ 12 किलो ही था, तो 100 एकड़ जमीन थी। बेटे ने अपनी माँ को 5 साल से टॉयलेट में बंद किया हुआ था, बोलता है सारी जमीन मेरे नाम करो तब छोड़ूंगा। तो ऐसे बड़ा दुख लगता है। वैसे तो हमारा देश शरवण कुमारों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़ा घिनौना अपराध करते हैं। अपने बच्चे जो हैं बूढ़े माता पिता की पिटाई करते हैं, उनको खाना नहीं देते, दवा नहीं देते, इज्जत नहीं देते, अस्पताल में ले जाके इलाज नहीं कराते और बहुत बार तो मरने के लिए झूठी ट्रेनों में चढ़ा देते हैं या वृद्धाश्रमों में छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे बड़ा दुख लगता है, बट अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों ने बड़ा इज्जत मान दिया और सेवा को इतनी सपोर्ट किया है। और आज तो हमारे आदरणीय हमारे देश के भावी कर्मठ समाज सेवी दानी और लेजेंड अमिताभ बच्चन जी का आज बर्थडे है और उसकी याद में आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे भी इतना आदर सम्मान दिया। बहुत अमिताभ बच्चन जी की आप सबकी तरह मैंने भी पिक्चरें देखी हैं, मैं भी बहुत फैन हूँ उनका, लेकिन ये बात पक्की है जैसे आप सब लोग म्यूजिक के माध्यम से उनकी याद को हमेशा बनाए रखते हैं और लोगों में जोत जलाते हैं, एक उमंग जलाते हैं, दुख सुख बांटते हैं, जीवन शैली को आप माध्यम बना दिया आपने। अनफॉर्चुनेटली मैं म्यूजिक के क्लोज नहीं हूँ, लेकिन हाँ उनकी दो यादें मेरे पास जरूर हैं जो गारंटीड है आने वाले 10 जन्मों तक भी मैं याद रखूंगा। वो यही है कि जब मैं केबीसी में आया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमिताभ बच्चन जी का अपने आप से फोन आएगा मुझे, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब का फोन आया, दो सेकंड लगा, बड़ी अच्छी बात है फोन आया। इतने अच्छे आदमी, मतलब धरती पे उनका मुकाबला है ही नहीं है, उनके पीछे बोलना सूर्य के सामने दिया जलाने के बराबर है। और बड़े इतने प्यार से बुलाया और उन्होंने बोला कि जब से मैं पैदा हुआ मैंने ऐसी सेवा कभी नहीं देखी है। और केबीसी का जब वो शो खत्म हुआ था, वो बात हो रहा है शो के दरमियान खेलना आता नहीं था, लेकिन भगवान की दया थी पूरा शो हमने जीत लिया। 25 लाख तो उन्होंने उसी टाइम मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिए जो मैंने साथ के साथ ही डोनेट कर दिए सेवा के अंदर। फिर अमिताभ बच्चन सर का रेगुलर फोन आता रहा मुझे, पूछते रहे कैसे सेवा करते हो, सरकार मदद करती है कि नहीं, जो कि ऑब्वियसली कभी नहीं करती है। फिर आपको माइक दूंगा चौधरी साहब। फिर उन्होंने बोला, एक दिन फोन आया, बड़े भावुक थे, कहते हैं मैं सोते जागते हमेशा आपके बारे में सोचता रहता हूँ, इतनी बड़ी सेवा करते हो, कैसे लोगों को संस्कार करते हो, 6,000 से ज्यादा लाशें जला दी, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हो, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनसे पैसे मांगू, भगवान से और क्या मांगे, साक्षात अमिताभ बच्चन जी बात करें। फिर उन्होंने अपने आप अपनी पर्सनल पॉकेट से, ईश्वर साक्षी है मैंने नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने जी आपने तो नहीं मांगे थे, लेकिन मैं जरूर यहाँ पर रिवील करूंगा कि बच्चन साहब ने 51 लाख रुपए का बैंक ऑफ इंडिया के 5 चेक रवि कालरा जी को दिए थे। 4 चेक 10 लाख रुपए के थे और 5वां चेक 11 लाख रुपए का था। वो मैं गलत तो नहीं कह रहा आपको? और उस शो में इनके साथ में कपिल शर्मा जी बैठे थे
और वहां से भी जो अमाउंट आपके पास आया वो भी आपने बताया कि वो अमाउंट भी जो है लोगों की सेवा के लिए जा चुका है। आज ये सौभाग्य बच्चन साहब के जन्मदिन पर, उनके 77वें जन्मदिन पर हमको प्राप्त हुआ। मेरे साथ खड़े हैं रवि चोपड़ा जी, खड़े हैं नरेश अग्रवाल जी, खड़े हैं तमाम साथी, आप सब लोग मौजूद हैं। आप सबकी मौजूदगी में इंडिया इस्लामिक सेंटर में दिल्ली की म्यूजिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से आप सब लोगों की ओर से ये हम छोटी सी भेंट 77,000 का चेक रवि कालरा जी को दे रहे हैं। जी हाँ।